उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला चर्चाओं में बना हुआ है। भर्ती घोटाला सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सख्त रुख अपनाया था, जिसके तहत उन्होंने साल 2011 के बाद उत्तराखंड विधानसभा में हुई 228 नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले में नया मोड़ सामने आया है। बीते रोज सोशल मीडिया पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी द्वारा नियुक्त किए गए 3 कर्मचारियों का आदेश पत्र वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऋतु खंडूड़ी ने नियुक्त किए गए इस पत्र को सबसे पहले यूकेडी नेता शुभ प्रसाद सिंहवाल ने पोस्ट किया। मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के प्रदेश से बाहर के लोगों की नियुक्तियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार तहसील तिराहे पर नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूंका। उसके बाद एसडीएम कोटद्वार ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के लोगों को नियुक्त न करके बाहरी लोगों को नियुक्त किया है, इसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया तो विधानसभा अध्यक्ष को कोटद्वार के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। कोटद्वार से राजेंद्र खंडपाल की रिपोर्ट। कोटद्वार के स्थानीय विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष है, वो सिर्फ ईमानदारी का ढोंग करती है। वो कहती है एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे, लेकिन उनकी कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ तो वो भर्तियां रद्द करती है, दूसरी ओर वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पता नहीं कहां कहां के युवाओं को अपनी विधानसभा में भर्ती करती है, अपने स्टाफ पे रखती है। तो जो स्थानीय युवा है जिन्होंने जिताकर भेजा, उनकी अधिकारों की और पहले उनको रक्षा करनी चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, लेकिन उनके साथ वो भद्दा मजाक कर रही है।